बल विधानसभा में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले लोगों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना केंद्र सरकार वो प्रदेश सरकार की जन कल्याण नीतियों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी के दौरान नेर चौक शहर के राणा परिवार के सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। विधायक इंद्र सिंह गांधी, मंडल अध्यक्ष हेमपाल राणा, मिल्क फेयर के चेयरमैन निहाल चंद शर्मा, मीडिया प्रभारी कुलदीप ठाकुर, महिला मोर्चा जिला सचिव सीमा शर्मा की मौजूदगी में नेर चौक शहर के सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, जिसमें विशेषकर गंगवीर राणा, शालिनी ठाकुर, सोमा राणा, महावीर राणा, आशा राणा, सविता ठाकुर, ममता ठाकुर, अजय ठाकुर, दीपक राणा, कला देवी, सुनीता ठाकुर, रीता ठाकुर, लक्की बिट्टू व निर्मला सहित सैकड़ों लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। भाजपा बल आईटी सेल के संयोजक करुण वर्मा ने बताया कि सभी लोगों का भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया और उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार उनकी हर समस्या का हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। जनता, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे साथ यहाँ राणा मार्केट के मालिक रणबीर राणा जी और उनके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ये वो परिवार है जिन्होंने आज़ादी के समय भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और उसके बाद जब तक कई पिछले 70 वर्षों से ये परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ रहा और आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जन नीतियों से प्रभावित होकर ये परिवार हमारे साथ जुड़ा है। हमारे इस क्षेत्र के जितने कर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग हैं, सबकी ये इच्छा थी कि ये लोग हमारे साथ आएं और इनका मान सम्मान भी हम रखेंगे और पार्टी में आने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष होने के नाते अपने छोटे भाई गंगवीर राणा का और इनके परिवार के जितने सदस्य आए हैं, इनके साथ बहुत सारे इनके साथी हैं, कार्यकर्ता हैं इनके साथ, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि आज जो दौर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और इस प्रदेश में जयराम जी के नेतृत्व में जो ग्राफ बढ़ा है, बड़े बड़े कांग्रेस विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, इनके परिवार के सदस्यों का, इनके जो साथ में आए हुए जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आए, इनका फिर से मैं अपनी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि आने वाला जो समय है भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ इस क्षेत्र में जो हमारी नगर परिषद नेर चौक है उसमें आगे बढ़ेगी।